कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री शरद पवार जी, श्री शरद यादव जी और बाकी तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे पधारे हैं, उन सब को मैं नमस्कार करता हूँ। इतनी बड़ी मात्रा में अपोजिशन पार्टियों का इकट्ठा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला है, जिसका हमें पूरा फायदा उठाते हुए एक ऐसी मुहिम लानी चाहिए कि देश की जनता की जो आप पुकार है कि तो मोदी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है जो देश के हित में नहीं था, अब ये हद से भी पार कर गई है और इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला है। जहाँ तक हिंदुस्तान की जनता का सवाल है, हर तरफ से पुकारें आ रही हैं, शोर आ रहा है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, उनको कोई रोजगार के साधन नजर आ नहीं रहे और साथ ही साथ जो वादे मोदी सरकार ने भारत की जनता से किए थे वो पूरा करने में भी ये सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। और इस समय तो जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने पुराने सिलसिलों को छोड़कर आगे बढ़े, एकमुठ होकर भारत की जनता की पुकार को सुने और ये तभी संभव है जब हम अपने छोटे छोटे मुद्दों को पीछे रखें, देश की एकता अखंडता जमहूरियत को बचाने के लिए जो हमें सब मिल के काम करना है उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लीडर साहिबान आए हैं उनकी आवाज़ को दूर दूर तक दुनिया में भारत के कोने कोने में पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। मीडिया का जो फर्ज है वो मीडिया ठीक तरह से उसे निभाए ताकि देश की जनता की सही आवाज़ भारत की सरकार तक पहुँच सके। जय हिंद।